हाय गाइस, यू आर वॉचिंग सीरियल सियापा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं टीवी सीरियल या रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड की। तो आप देखने वाले हैं कि रूही किसी बहुत ही खतरनाक मकसद से पोदार हाउस में लौटी है। इस बात की खबर सिर्फ और सिर्फ अभीरा को है। उसे इंट्यूशन आ रहा है कि रूही जिस अंदाज से घर में वापसी करके आई है, उसके अंदाज और उसके मिजाज रोहित को लेकर के कुछ खासा ठीक नहीं लग रही हैं। तो शो की कहानी में आगे क्या होगा, उसे जानने से पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी जानकारी। तो भाई बात करते हैं अब आने वाले टीवी सीरियल के ट्रैक की। तो इसमें आप देखने वाले हैं कि मौका होगा यहाँ पर बहुत ही खास कुछ रस्म का, जिसके बीच विद्या रूही को कितना ज़्यादा पसंद करने लगी है ये तो किसी से बात छुपी हुई नहीं है। यहाँ एक तरफ तो विद्या है जो कि रूही को बहुत ही ज़्यादा खुश देखना चाहती है अपने बेटे रोहित के साथ, तो वहीं रूही भी फिलहाल रोहित का ध्यान रख रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा कर रही है और किसी को भी कानो कान खबर नहीं लगने दे रही है कि ये सब जो कर रही है वो अपनी बड़ी स्ट्रैटेजी के अगेंस्ट कर रही है। लेकिन कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट तो तब आएगा जब विद्या रंगे हाथ पकड़ने वाली है रूही की चोरी। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि जो रूही है वह अरमान और अभीरा की फ़ोटो को जलाती हुई नज़र आएगी, जिसे देखकर विद्या के खुश हो जाएंगे। विद्या यह समझ जाएगी कि रूही इसका मतलब सही कह रही थी कि अभीरा सही कह रही थी कि रूही बिना किसी इरादे के इस घर में नहीं लौटी है, ज़रूर उसकी वापस आने की कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग वजह है। अब ऐसे में विद्या को शायद समझते में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि वो किस इशारे पर किस रास्ते पर चल रही है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जैसे ही रूही की ये हरकत देखेगी विद्या, उसे आरोही याद आएगी। वो समझ जाएगी कि आरोही ने ही जैसे अपनी बहन की ज़िंदगी में जहर खोला था, सिर्फ रूही भी वही काम करने जा रही है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या रूही की ये हरकत का खुलासा कावेरी से करने वाली है यहाँ पर विद्या। क्या लगता है आपको, कमेंट कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।